सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग एक हमारे दावतनामे पे यहाँ पे हाज़िर हुए। मौजू क्या है, शायद आपको प्रेस इनवाइट में हमने बता ही दिया था कि हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष और गोवंडी शिवाजी नगर से विधायक माननीय अबू आसिम आदमी साहब 11 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आखिर वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हमारी पार्टी मालेगांव में एक कोशिश कर रही है, यहाँ पर हम लोग ऐसे सत्ता में तो नहीं हैं, क्योंकि अबू आसिम आदमी साहब आप सब लोग जानते हैं एक ऐसी आवाज़ हैं जो पूरे देश में आज जो नफ़रत की राजनीति हो रही है, जो दो लोग मिलके रंगा और बिल्ला मिलके इस देश की ईडी से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके जो उन्होंने संस्थाओं का मजाक बना के रखा है, उसके खिलाफ हम लोग हर जगह इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि अबू आसिम आदमी साहब उसमें एक ज़िम्मेदार आवाज़ हैं। तो हमें लगा कि मालेगांव एक ऐसा शहर है, मैं आपको बताऊँ, शायद काफ़ी लोगों को पता हो, मुझे इंटरेस्टिंग बात ही पता चली कि मालेगांव बड़ा इंटरेस्टिंग शहर है, कि पिछले वक्त अभी कोविड में यहाँ पर एक स्टडी ये हो रही है कि सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर कोविड बहुत ज़्यादा फैला क्यों नहीं। तो आप लोग आपके शहर की जो खसूसियात हैं और आपके शहर को बहुत बदनाम करने की भी कोशिश की गई है अलग अलग मौक़ों पर, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट करा के, जबकि सबको पता है वो कौन से लोग थे और कौन सी नफ़रत की राजनीति करने वाले लोग थे जिन्होंने इस शहर का जो है माहौल ख़राब किया। पिछले वक्त आपने पिछले साल देखा होगा कि 12 नवंबर को यहाँ पर क्या हुआ, वो सबके सामने है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज एनसीपी जो अपने आप को जो है बहुत ही सेकुलर राजनीति करने वाले लोग बोलते हैं, अबू आसिम आदमी साहब उनके पास गए, उन लोगों की जो है आवाज़ उन्होंने उठाई और उन लोगों का जो है मुद्दा उन्होंने सामने रखा, लेकिन एनसीपी का होम मिनिस्टर होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं मालेगांव की लोगों को उनकी असलियत बताना चाहता हूँ, आपके पास वीडियोस फोटोज़ आप कहीं से भी निकाल लीजिए, ये असलियत है एनसीपी की। तो ये एक मुद्दा है। लेकिन अगर आप मालेगांव में पिछली बार 2 या 3 महीने पहले पहली बार आया था, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, आखिर क्यों ही मुसलमानों के ही इलाकों में सड़कें क्यों नहीं होती, आखिर क्यों जो है मुसलमान जो है वो बहुत ही पसमानदगी में ज़िंदगी बिताता है। आप जाके देखिए कौन सी ऐसी सड़क है मालेगांव में, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, लेकिन हम कभी के भी आते हैं, आपका ये जो फ्लाईओवर बन रहा है ये बना ही जा रहा है, ये तो मोदी जी के 15 लाख की तरह हो गया, मुझे लग रहा है बल्कि ख़त्म नहीं हो रहा। इस तरह के जुमलेबाजी जो मालेगांव ने बहुत कुछ पिछले वक्त में खोया है। और मैं अपने नेता अबू आसिम आदमी साहब, बहुत सारे लोगों को इस बात का पता होगा, चाहे वो 2002 के बम ब्लास्ट हों, 2002 के फसादात हों, 2006 के बम ब्लास्ट हों, उन्होंने हज़ारों लोगों की मदद की यहाँ तक रोज़गार से दिलाने के लिए, पर्सनल हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं। तो अब हमने ये बीड़ा उठाया है कि जो, और आप ये देखिए कि कुछ लोग जो है मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं और जिनके 2 MLA भी हैं, एक धुलिया में और एक मालेगांव में, क्या आपने कभी ऐसे मुसलमानों के मसाइल पे उनको असेंबली में किसी से लड़ते भिड़ते देखा है? क्या आपने देखा है इन दोनों, और हमारे 2 MLAs हैं, एक अबू आसिम आदमी साहब हैं, एक रईस शेख साहब हैं, आप देखिए, आप उठा के देखिए, मुसलमानों के इलाकों में ही ड्रग्स की समस्या क्यों ज़्यादा है, इस बात को लेके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी एक साजिश है, ये पैटर्न जो है वो अमेरिका से लाया गया है। अमेरिका के अंदर ब्लैक्स लोगों के जो सेटलमेंट्स होते हैं, जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ पर इस तरह की समस्याएं होती हैं। हमारे मुसलमान नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को कैसे बर्बाद किया जाए, इसके लिए काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। और सबको, आप लोग क्योंकि मारूफ हैं और सब, आपको पता होगा कि किस तरह से एक साजिश रची जा रही है। और हिंदुस्तान की जो मिट्टी है वो बड़ी जरखेज़ है, इस तरह की साजिश रचने वालों को हम लोगों को हराना है। हम ये नहीं कहते कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जो भी दबे कुचले लोग हैं कहीं से भी, जहां हमें लगता है किसी के खिलाफ नाइंसाफ़ी हो रही है, समाजवादी पार्टी जो है उनका आवाज़ उठाने की कोशिश करती है। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मालेगांव आपके ज़रिए से मालेगांव की जनता से अपील करना चाहता हूं कि अबू आसिम आदमी साहब ने एक मुहिम छेड़ी है कि मुझे मालेगांव में, और वो अक्सर इस बात को बोलते हैं कि एक पैर मेरा बम्बई में और दूसरा मालेगांव में, तो वो बहुत ही फ़िक्रमंद है यहाँ के हालात को लेके, चाहे वो यहाँ की सड़कों के हालात हों, चाहे वो यहाँ के स्कूल्स के हालात हों, या चाहे यहाँ पर जो अटैक लगातार हो रहा है और उन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है जो सेकुलर चोला पहन के जो है घूमते हैं, चाहे वो NCP हो या चाहे वो और दीगर पार्टियाँ हों। तो मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि मालेगांव की जनता याद रखे कि NCP के होम मिनिस्टर थे जब यहाँ पर ये चीज़ें हुई और उन्होंने कोई किसी की मदद नहीं की। और बाकी के भी जो आपके लूम के यहाँ के मुद्दे हैं, हमारे क्योंकि भिवंडी और हमारे एक आमदार भिवंडी के हैं और मालेगांव भी लूम से एक दूसरे को जो है कनेक्ट करता है, तो वो मुद्दे हम लोग कोशिश करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए राजनीति के अंदर। अगर कोई आदमी को ये लगता है कि मैं 100% सही हूँ, तो फिर तो उसने खुदा ही का दावा कर दिया ना।
तो बिल्कुल आदमी एक दूसरे से मिले बैठे, लेकिन मुझे ये अक्सर मैं देखता हूँ कि लोगों को बहुत ईगो इश्यूज होते हैं, राजनीति गलत है। अगर आप बिल्कुल समाज के लिए लड़ रहे हैं, अपना फ़ायदा भी सोचिए बिल्कुल, लेकिन आप अगर अपने फ़ायदे को समाज के फ़ायदे से ऊपर रख देंगे तो आप नेता नहीं हैं, आप फिर बिजनेसमैन हैं। ठीक है, आप अपने परिवार के बारे में बिल्कुल सोचिए, लेकिन अगर भगवान ने या अल्लाह ने आपको कोई जिम्मेदारी दी है तो जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। तो बिल्कुल जो भी हमारी जो थोड़ी बहुत इश्यूज हैं हम उनको एड्रेस करके और उनको सॉर्ट आउट करके लड़ेगी। मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट, होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है, हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे, मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।